जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बांगड़ा रवा फिश फ्राई। तो ये फिश फ्राई जो है बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार बांगड़ा को हमने लेके क्लीन कर लिया है, तो ये देख सकते हो बहुत ही साफ़ सुथरी हो चुकी है। और इसके जो पेट का हिस्सा हमें निकाल देना है, बहुत नरम होता है और इसके कचरे होते हैं। अब इसे रख देंगे छन्नी में। अब मसाले तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेंगे अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेंगे हरी मिर्च दरदरी पीसी हुई, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला लेंगे, 2 टेबलस्पून लेंगे धनिया का पाउडर, 2 टेबलस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 लेमन जूस डाल देंगे। तो लेमन जूस का कलर बहुत येल्लो है, हमने हल्दी वाले हाथ से निचोड़ा था इसलिए पीला हो गया। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाले बहुत ही चटपटे मज़ेदार से होते हैं, आप इससे कोई भी फिश बना सकती हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमें इसे लिक्विड करना है, तो 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले थोड़े लिक्विड फॉर्म में हो जाए और फिश पे अच्छे से कोट कर ले। तो मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब एक एक फिश रखेंगे, इस तरह से मसालों को कोट करते जाएंगे। तो फिश जो होती है बांगड़ा स्किन वाली होती है और बहुत ही चिकनी होती है, तो मसाले अच्छे से चिपकते नहीं है। तो हम अभी इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे मसाले लगाने के बाद। तो एक एक फिश को हम इस तरह से कोट करते जाएंगे। और हम बहुत सारी फिश की रेसिपी अपलोड किए हैं, सुरमई फिश भी अपलोड किए है, एकड़ू रवा फिश भी अपलोड किए है। बहुत सारी फिश की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर देखने मिलेगी और बहुत सारी बीफ मटन चिकन की भी। तो हम इस तरह से मसाला कट में लगाते जाएंगे, अच्छे से अंदर तक भरना है हमें। और कट के अंदर मसाला डालना बहुत ज़रूरी है, अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। और इसे आप रख सकते हो मैरिनेशन के लिए, हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें फ़िश जो है वो खिले खिले गोश्त वाली पसंद आती है। हम ज़्यादा देर तक मैरिनेशन पर रखते हैं तो फिश का जो गोश्त होता है वो मैश हो जाता है, खाने में बिल्कुल आटे जैसी लगती है। तो जब भी लगाए 10 मिनट के बाद ही फ्राई कर लें फिश को। तो मसाले बहुत अच्छे से लगा चुके हम। 1 टेबलस्पून डाल देंगे कॉर्नफ्लावर ताकि मसाले जो है अच्छे से कोट कर ले। फिर हम इसमें सूजी का रवा का कोटिंग करेंगे तो अच्छे से पकड़ लेगा और मसाले पूरे में लपटे रहेंगे। तो इसलिए हमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हमारी फिश स्किन वाली चिकनी है तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे मसाले चिपक जाते हैं अच्छे से। अब हम सूजी ले लेंगे, रवा ले लेंगे, तो आप कोई भी रवा ले सकते हैं, मोटा बारीक जो भी। और इस तरह से हम कोट करेंगे। और आप ये फिश को बिना चावल बिना रोटी के ही खा सकते हो, लेमन जूस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जब हम रवे के साथ इसे खाते हैं तो बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हमें कोट करना है और आप दबा दबा के भी कर सकते हो, जितना आप मोटा कोटिंग चाहते हो। अगर आपको मोटी कोटिंग चाहिए तो आप थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से दबा के प्रेस करके लगा सकते हैं। तो ये हमने चारों फिश को लगा लिया है और ये फिश बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमने आगे भी रेसिपी अपलोड की है, दूसरे मसालों में है। हमारी हर फिश जो है अलग अलग मसालों के साथ है और हमारे सारे मसाले जो होते हैं होममेड होते हैं, आप लोग देख के बना सकते हो। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से फिश को कोट कर लिया है। अब इसकी फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो कड़ी पत्ता डाल देंगे, बहुत सा माल के डालना है। अब कड़ी पत्ता निकाल के हम एक एक फिश इस तरह से डालते जाएंगे। तो हम चार फिश बना रहे हैं तो चारों इसमें आ जाएगी। जब एक तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएगी उसके बाद ही हम पलटेंगे, तो जो कड़ी पत्ता हम क्रैकल किए थे वो डाल देंगे, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएगी, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ से गोल्डन हो गई, तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी फिश फ्राई बन के तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू तो बहुत ही गजब की है, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। तो ये देखिए अगर हम बार बार पलटते हैं तो फिश हमारी टूट जाती है, टूटी फिश डिश हमारी ख़राब कर देती है। तो इस तरह से जब दूसरी साइड भी हो जाए तो हम निकालेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची होती है और ठंडी होने के बाद ही तो बहुत ही अच्छी होगी, ठंडी होने के बाद और भी क्रिस्पी हो जाती है। तो हम एक एक फिश इस तरह से निकालते जाएंगे।
आप इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑयल झटक के निकाल रहे हैं तो सारे ऑयल इस तरह से निकल ही जाते हैं। तो ये देखिए, इसे भी हम निकाल लेंगे। सारी फिश हमारी एक साथ ही फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए, बहुत ही लाजवाब से फिश हमारी बनके तैयार हो चुकी है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही गजब का है। तो ये देखिए, हमने इसे लेमन जूस और हरा धनिया के साथ सर्व किया है और इसका लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। आगे हम इसे तोड़ के भी बताएंगे कि ये खाने में किस तरह से लग सकती है अंदर। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनी है पूरी, एकदम कुरकुरी सी। अब इसे तोड़ेंगे तो ये देखिए, अंदर तक इसका मसाला गया है और इसके गोश्त जो है बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल फिट। अब हम इस पर लेमन जूस डालेंगे। तो बीज हमें हटा लेनी है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आएंगे। तो दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।